अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, यदि आप कतर में रहते हो और कतर के अहम तरीन खबरों से हमेशा वाकिफ रहना चाहते हो तो ये वीडियो को बिना स्क्रिप्ट का पूरा देखिए। चैनल पर नए हो या फिर पहली बार आए हो, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको हमेशा फ्री में दोस्तों मिलती रहे। तो साथियों, आज के वीडियो में दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट खबर के बारे में बात करूंगा, क्योंकि बहुत सारे भाई लोग मुझे कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट करके ये पूछ रहे थे, भाई मेरा क्यूवीसी का अपॉइंटमेंट नहीं मिल रहा है। अब इसके पीछे दोस्तों रीजन ये था कि बहुत सारे लोग जो है वो डर गए हैं। इसके रीजन ये है कि उन लोगों का ऐसा लग रहा है कि फीफा वर्ल्ड कप के कारण उन लोगों को क्यूवीसी का अपॉइंटमेंट नहीं मिल रहा है, जिसकी वजह से उन लोगों का वीजा भी इशू नहीं किया जाएगा और वो लोग कतर नहीं आ पाएंगे। इसके बारे में बताऊंगा। और दोस्तों कुछ ड्राइविंग लाइसेंस के बारे में बहुत ही बढ़िया अपडेट आई हुई है। जो लोग वहां पर ड्राइविंग का काम करते हो या करना चाहते हो, आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छी खबर है। और भी कुछ अपडेट्स आपको बताऊंगा, वीडियो को पूरा देखिएगा। तो सबसे पहली खबर की ओर साथियों चलते हैं, जो कि आ रही है क्यूवीसी को लेकर। तो साथियों, चाहे वो आप इंडिया से आप हो, पाकिस्तान से हो, नेपाल से हो या बांग्लादेश से हो, आप जो भी आप लोग नया वीजा के लिए आपने अभी अप्लाई किया है, तो यदि क्यूवीसी सेंटर के लिए जब दोस्तों अपॉइंटमेंट जब आप ले रहे होगे, यदि आपको अपॉइंटमेंट लेना नहीं आता है तो उसके लिए मैंने सेपरेट वीडियो बनाया है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन को आप देख भी सकते हो। तो यदि आप क्यूवीसी के लिए अपॉइंटमेंट ले रहे हो तो आपको अभी अपॉइंटमेंट लेने में थोड़ी दिक्कत हो रही होगी और आपको अपॉइंटमेंट मिल भी नहीं रहा होगा। अब इसके वजह से बहुत सारे लोग ये सोच रहे हैं कि फीफा वर्ल्ड कप के कारण उन लोगों को अब वीजा इशू नहीं किया जाएगा। पर दोस्तों ऐसी कोई अभी ऑफिशियल न्यूज नहीं है, कोई भी कतर हुकूमत की तरफ से ऐसी कोई भी खबर या कोई भी पब्लिश अभी नहीं किया गया है कि क्यूवीसी सेंटर बंद है या टेम्पोररी उसे बंद किया जा रहा है फीफा वर्ल्ड कप के कारण। ये हो सकता है कि अभी क्यूवीसी सेंटर में अभी आपको अपॉइंटमेंट इसलिए नहीं मिल रहा क्योंकि वो बुकिंग फुल हो चुकी होगी, इसी की वजह से आपको अपॉइंटमेंट वगैरह अभी नहीं मिल रहा है। ऐसी कोई खबर अभी नहीं है कि लोगों को अपॉइंटमेंट नहीं मिलेगा या फिर टेम्पोररी बंद किया गया है फीफा वर्ल्ड कप के वजह से। तो आप आगे का चेक कर लीजिए, हो सकता है आपको सितंबर में ना मिल रहा हो तो अक्टूबर में मिल जाएगा, अक्टूबर में ना मिल रहा हो तो नवंबर में मिल जाएगा, पर अभी ऑफिशियल न्यूज नहीं है कि अभी बंद कर दिया गया है। अब दोस्तों अगली खबर की ओर साथियों चलते, जो कि बहुत ही बढ़िया खबर आप लोगों के लिए है जो कि वहां पे ड्राइविंग का काम में करने जाने वाले हो या फिर कर रहे हो। तो साथियों, यदि आप इंडिया से हो या पाकिस्तान से हो, किसी देश से ताल्लुकात आप रखते हो, वहां पे ड्राइविंग के लिए यदि आप गए हो, तो यदि आपके पास लाइसेंस वगैरह नहीं है, यदि यानी कतर का लाइसेंस आपके पास नहीं है, तो यदि आप सऊदी अरेबिया के आपके पास लाइसेंस हो या बहरीन का हो, ओमान का हो, दुबई का हो या फिर दोस्तों कुवैत का हो, तो आप लोगों को बहुत ही ज्यादा सहूलियत हुकूमत की तरफ से दिया जा रहा है। आपको किसी तरह का आपको कोर्स करने की अब जरूरत नहीं होगी, ना कि हाफ कोर्स ना ही फुल कोर्स। दोस्तों ड्राइविंग लाइसेंस लेने के लिए सबसे पहले कोर्स करना पड़ता है, जिसके लिए आपकी मोटी रकम चुकानी पड़ती है, वो चीज अब हुकूमत की तरफ से हटा दिया गया है। यदि कोई भी गल्फ कंट्री का आपके पास लाइसेंस है तो डायरेक्ट आप ट्रैफिक डिपार्टमेंट में जाइए, वहां पे आप अपने ड्राइविंग के लिए दोस्तों टेस्ट के लिए अप्लाई कीजिए, और जिस दिन आपको टेस्ट के लिए बुलाया जाता है वहां पे डायरेक्ट जाके अपने ड्राइविंग टेस्ट दे सकते हैं। यदि आप पास हो जाते हो तो आपको फिर लाइसेंस वहां पे मुहैया करा दी जाएगी, नहीं पास होते तो आपको नहीं दिया जाएगा। पर आपको अब किसी तरह का कोर्स वगैरह या हाफ या फुल करने की आप जरूरत नहीं है। वहीं पे यदि आप इंडिया से हो, पाकिस्तान से हो या फिर किसी देश से ताल्लुकात रखते हो, तो यदि आपके पास अपने कंट्री का लाइसेंस चाहिए, जैसे कि दोस्तों मान लीजिए आप इंडिया के हो तो आपके पास इंडिया की लाइसेंस है, तो आपको दोस्तों कम से कम हाफ कोर्स तो करना ही पड़ेगा। उसके बाद ही हाफ कोर्स करने के बाद ही आप वहां पे टेस्ट दे सकते हो, वरना आप टेस्ट नहीं दे सकते हो। तो ये बहुत ही अच्छी अपडेट थी ड्राइविंग भाइयों के लिए, जो कि वहां ड्राइविंग वगैरह करने के लिए जा रहे हो या फिर लाइसेंस वगैरह लेने के बारे में सोच रहे हो। अब चल लेते हैं दोस्तों अगली खबर की ओर। साथियों अगली जो खबर आ रही दोस्तों फीफा वर्ल्ड कप को लेकर आ रही, तो जो भी फीफा वर्ल्ड कप के आप लोग फैन हैं तो आप लोग के लिए बहुत ही बढ़िया खबर है। एक एप्लीकेशन को लॉन्च किया गया है, एप्लीकेशन को लॉन्च किया गया कतर पोस्ट ई स्टोर, इस नाम से दोस्तों एप्लीकेशन को लॉन्च किया गया है, जिनमें आप एप्लीकेशन में जाके कुछ सामानों को खरीद सकते हैं जिसमें वर्ल्ड कप का प्रोडक्ट होगा, यानी दोस्तों लोगो टाइप का वो बना रहेगा, तो वो सब सारी चीजें आप खरीद सकते हो। तो ये स्टोर से जाके आप क्या क्या खरीद सकते हो मैं आपको बता देता हूं, जैसे कि दोस्तों नोटबुक वगैरह, ट्रॉफी कार्ड होल्डर, प्लेइंग कार्ड, पेन वगैरह, वाटर बोतल, स्टिकर, ट्रॉफी मैग्नेट, कैचिन, ट्रॉफी रेप्लिका, कार स्केंट और स्नो ग्लोब, और भी अलग अलग चीजें दोस्तों आप खरीद सकते हो। तो आप प्ले स्टोर में जाके इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करके यदि फीफा वर्ल्ड कप के आप फैन हो तो आप ले सकते हो। तो ये कुछ अपडेट्स थी, कुछ खबरें थी जो कि कतर से आ रही थी, मैंने अब तक शेयर किया। आशा करता हूं वीडियो आपको अच्छी लगी हो, वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि और भी लोगों को इसकी जानकारी हो सके। मिलते साथियों नेक्स्ट वीडियो पे, अल्लाह हाफिज एंड टेक केयर।